नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और एक बार फिर से आप सभी तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वक्त मैं हूं सोनपुर मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आस्था एवं व्यावसायिक प्रदर्शन का पारंपरिक उत्सव के नाम से जिसे जाना जाता है वो सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेला। यहाँ पे मैं आपको एक विशेष चीज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। यह आप देख पा रहे होंगे पर्यटक ग्राम। अगर आप हैं सोनपुर मेला में और घूमते घूमते थक चुके हैं, नज़दीक में कोई होटल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, मेले में अगर आप स्टे करना चाहते हैं और स्टे करते हुए नज़दीक में ही रहना चाहते हैं मेले के नज़दीक में, और तब आपको एक फीलिंग लेना चाहते हैं मेला का, एक लग्जरियस वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, तो ये पर्यटक ग्राम जो है वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। छोटे छोटे यहाँ पे एक कॉटेज बने हुए हैं, और जिस तरीके से आप गोवा मनाली वगैरह में जाते हैं और आगे में जो लगा रहता है, देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप गेट से एंटर करते हैं आपको शुरू में दिखाई देता है टूरिस्ट हेल्प डेस्क, बिहार स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन पटना की तरफ से ये आयोजित है, और आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क दिखाई पड़ता है जहाँ पे आप तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह से होटल्स वगैरह में रूम होते हैं उस तरीके से यहाँ बना हुआ है 105 देख सकते हैं कॉटेज नंबर। ये छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। और आगे देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये गोवा वगैरह में जो धूप सेकते हैं है ना लोग, इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे एकदम लग्जरियस वाली फीलिंग। कैसा लग रहा हूँ मैं दर्शक बंधु, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और हमारी वीडियो अब तक पहुंच रही है तो खुद भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा और कमेंट में भर भर के प्यार दीजिएगा ताकि हमारा हौसला भी अफजाई होता रहे और इस तरह के वीडियो मैं आप तक लेकर आता रहूं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और मैं आपको और भी आगे की चीजें दिखाता हूं। देखिए उसी तरीके से 104 करके अलग 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 कॉटेज बने हुए हैं, और नो डाउट कि मेला में रहते हुए अगर आप एक लग्जरियस वाली फीलिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह की अगर आपको तलाश है और मेला घूमते घूमते, नो डाउट सोनपुर मेला जो होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और घूमते घूमते आदमी थक जाता है और थकने के बाद एक आरामदेह वाली जगह को ढूंढता है। ऐसे में मेले में रहते हुए लग्जरियस फीलिंग वाली चीज़ों का आनंद लेते हुए और एक बेहतर अगर आपको स्टे करने की तलाश है तो ये कॉटेज वाला जगह जो पर्यटन विभाग की तरफ से ये बनाया गया है अस्थायी तौर पर, यह आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बने रहिएगा फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए कितना एकदम नीट एंड क्लीन चारों तरफ से दिखाई दे रहा होगा आपको, गुनगुनी धूप है अभी, और मुझे लग रहा है अब इस समय लगभग 11:30 बजे का समय हो रहा है, और गुनगुनी धूप इस समय ठंड के दिनों में आप आनंद ले सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे धूप सेक सकते हैं, जैसे मैंने आप अभी आपको बैठ के भी यहाँ पे बताया था। ऐसा देखिए एकदम बेहतर आराम से आप स्नान करके आइए है ना, यहाँ पे ऐसे करके एकदम जैसे गोवा वगैरह में फीलिंग आएगी यहाँ पे, और फिर आपको मन कर रहा है सोनपुर मेला घूमने का तो फिर यहाँ से आप सोनपुर मेला घूम लीजिए। बाहर में आराम से इस तरीके से आप रिलैक्स हो सकते हैं और अपने सोनपुर मेला देखने के फीलिंग को आप कई गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कई तरीके से ये कॉटेज लगे हुए हैं और मैं आपको अंदर से भी इन चीजों का दर्शन करवाऊंगा, इन चीजों को दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा हमारे हमारे इस वीडियो में। और भी देखिए वाओ, आपको पता है कि हमारी लोक संस्कृति का एक अनूठा पर्व हमारे बिहार में होता है और वो है छठ। छठ जैसे पारंपरिक त्योहारों को देखिए यहाँ से किस तरीके से एक प्रदर्शनी के माध्यम से एक चीजों को अव्यक्त करने का एक लघु प्रयास। ये देखिए सूप, छठ और सूप का एक अनूठा, छठ में सूप का एक अनोखा प्रायोजन होता है, और यही वो चीजें हैं जिस पर से जो पर्व करने वाली जो हमारी माता बहनें होती हैं वो इस तरीके से मतलब सूर्य का उपासना करती हैं। तो ये देखिए बल्ब भी लगा हुआ है, मुझे लगता है कि रात में ये दृश्य काफी अनूठा लगता होगा। और बिहार की कई छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे उकेरा गया है ताकि देश विदेश से भी अगर लोग आए तो इन चीजों को देख सके, हमारे बिहार की संस्कृति को जान सके, बिहार के कल्चर से वो रूबरू हो सकते। यहाँ जापान से, नेपाल से और भी तमाम तरह तरह के विदेशों से भी लोग आते रहते हैं सोनपुर मेला। नो डाउट एशिया का यह सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से विख्यात है, और जैसे 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 नित्य नई सूचना क्रांति आगे बढ़ रही है, सोनपुर मेला का विस्तार, इनका जो
इनकी जो पब्लिसिटी है, इनकी जो लोकप्रियता है पूरे वर्ल्ड लेवल तक जा रही है। और भी देखिए एक छोटा छोटा प्रयास यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। खास के मुझे अभी तक जैसा कि लग रहा है कि छठ पूजा में जो चीज़ें होती हैं उसको पूरी तरीके से बिहार की संस्कृति को एक उकेरने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। ये दौरी आपको दिख जाएगा, ये सूप आपको दिख जाएगा, मतलब पूरी तरीके से प्राकृतिक चीजों को जोड़ने का यहाँ पे प्रयास। देखिए चले आइए यहाँ पे और भी बेहतर चीजें, कितना खूबसूरत दृश्य ये लग रहा है आपको। ये देखिए मुझे लगता है कि शाम के वक्त यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम वगैरह भी होता होगा, रात का जब दृश्य आता होगा उस टाइम। ये देखिए ये स्टेज बना हुआ है और यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, लोग गीत संगीत का भी आनंद लेते होंगे। और यहाँ पे ये देखिए क्या फीलिंग है, एकदम नेचुरल रूप से फीलिंग, वाओ। यहाँ पे आप खाना ऑर्डर करिए, नाश्ता ऑर्डर करिए और यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। तो सोनपुर मेला में ये एक विशिष्ट जगह है, ये बहुत ही कमाल की जगह है। आगे मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। क्या बात है, एक हेलीकॉप्टर यहाँ से अभी प्रवेश कर रही है, हेलीकॉप्टर गगन को भेजते हुए यहाँ पे, हवाई जहाज गगन को भेजते हुए यहाँ से अभी प्रवेश कर रही है। चलिए और भी मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए ऐरावत, यहाँ पे सोनपुर मेला, घोड़े पे सवार एक युवक जो दिखाता हुआ कि सोनपुर मेला एशिया का विश्व प्रसिद्ध मेला के नाम से क्यों विख्यात है, हमारी लोक संस्कृति और बिहार की परंपरा को दिखाता हुआ। ये सूप और दौड़ा वाली चीजें ये आप देख सकते हैं, जब रात होती होगी और मध्यम जब रोशनी उकेरती होगी यहाँ पे, तो नो डाउट कितना खूबसूरत ये शमा लगता होगा। इस तरीके से जो कॉटेज बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो दीवाले हैं उसमें हमारी बिहार की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को उकेरा गया है, जो कि एक शानदार फीलिंग देती है और बिहार की लोक संस्कृति को परिलक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास भी इस पर्यटक ग्राम में आप देख सकते हैं। ये देखिए गोलघर पटना का ये दृश्य दिखलाया गया है, ताकि देश विदेश के कुछ लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो वो हमारे बिहार के इस संस्कृति को बड़े करीब से उन्हें देखने का मौका मिलता है, उनको एक फीलिंग आती है। ये देखिए गौतम बुद्धा, ग्रेट बुद्धा स्टेच्यू, बोध गया का ये दृश्य यहाँ पे बिहार टूरिज्म विभाग की तरफ से। और तूतला भवानी वाटरफॉल विश्रामपुर का ये दृश्य यहाँ पे उकेरा गया है। इस तरीके से जो भी दीवाले हैं आपको वहाँ पे दिख जाएगी 107। इसी तरीके से यहाँ पे एक और कॉटेज बना हुआ है, इस कॉटेज के हम अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से ये रूम किस तरीके का दिखता है और क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, ताकि आप भी अगर मेले में आप आए तो आप इन फीलिंग को बड़े आसानी से ले सके। मैं आपको बता दूं अपने दर्शक बंधुओं के लिए, अगर आप सोनपुर मेला में आप आइए और किसी से भी पूछिए रेफरल अस्पताल रोड किधर है, सोनपुर मेला में आने के बाद अगर आप रेफरल अस्पताल रोड के बारे में किसी से आप पूछते हैं, वहां पे चले आइए और बस उस रोड में जैसे ही आप आते हैं आपको दिख जाएगा यह पर्यटन विभाग की तरफ से ये बना हुआ पर्यटन ग्राम। कितनी खूबसूरत चीजें, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा को यहाँ पे दिखाने का एक प्रयास और BSTDC बिहार सरकार की तरफ से ये जू सफारी राजगीर, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ पिछले दिनों में इनकी लोकप्रियता जो है वो काफी बढ़ी है, तो इसको ये भी दिखाने का प्रयास। उसी तरीके से ये पटना साहिब, पटना का ये यहाँ पे दृश्य आप देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, अब हम आपको कॉटेज के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की फीलिंग कैसी लगती है। वाओ, काफी खूबसूरत नजारा है, तो इस तरीके का आपको फीलिंग मिलेगा। खूबसूरत सी लाइट ऊपर में लगी हुई है, शानदार पलंग लगा हुआ है, शानदार एकदम लग्जरियस वाली फीलिंग आती है। नो डाउट आपको बहुत ही बेहतर फील होगा। यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं तो ठंड का मौसम है और शानदार एकदम, क्या सॉफ्ट है ना, और बेड भी एकदम देख सकते हैं जिस तरीके से होटल्स, अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह में लगे रहते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह या पानी गर्म करने के लिए, बनाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए लालटेन के शक्ल में, क्या मतलब, एक बेहतर फीलिंग आपको आएगी मेले में। अगर आप आए हैं और अगर आप थके हुए हैं, यहाँ पे आप दो चार आदमियों के साथ अगर आप आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खाना वगैरह अच्छा ऑर्डर जगह है। ये खूबसूरत सा आपको ये जगह, बेडरूम का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये आप
इस जगह का आप फील कर सकते हैं, इस लग्जरियस वाली फीलिंग को आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। इधर आपको मिल जाएगा ये लिविंग रूम का भी एक और एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिविंग रूम का ये एरिया, ये काफ़ी मस्त एकदम है ना, बहुत ये देखिए बड़े आराम के साथ आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह मंगवा सकते हैं, खाना पीना मंगवा सकते हैं, दो चार दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं और मेला के आनंद को आप दो गुना चार गुना कर सकते हैं। एक खूबसूरत यादें यहाँ से बटोर कर ले जा सकते हैं आप। ये पर्यटन विभाग की पेशकश, ये पर्यटन ग्राम सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र का ये स्थान, और ये 26 दिसंबर तक ये रहने वाला है। 26 दिसंबर तक अगर आप बना रहे हैं कहीं घूमने का प्लानिंग और उस प्लान में शामिल है ये सोनपुर मेला, तो चले आइए सीधा इस जगह पे और काफ़ी कम बजट में इस खूबसूरत जगह का आनंद लीजिए और इस जगह का भी, इस कॉटेज का भी आनंद लीजिएगा। होटलों में तो आपने बहुत रातें गुजारी हैं, होटलों में आप बहुत रहे हैं, वहाँ की फीलिंग भी आपने बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया है, लेकिन कॉटेज में रहने का एक अलग किस्म का आपको फील आएगा। और ख़ास के ठंड के मौसम में, बाहर आप धूप सेकिए, ठंड के मौसम में इस जगह पे रहने का आनंद कुछ और ही है। देखिए यहाँ का बाथरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ आपको ये बाथरूम मिल जाता है, ये लिविंग रूम के लिए यहाँ पे एक बाथरूम है, ये आईना वगैरह आप देख सकते हैं इस तरीके से लालटेन के अंदर है ना, एक मतलब बहुत ही खूबसूरत सा जगह आपको लगेगा, एक अजीब सी फीलिंग आएगी और इस जगह पे कॉटेज पे रहने का आनंद ही कुछ और है। चलिए और भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस जगह पे जब आप आते हैं, ये आपको पूरा एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ आप अपने एक दो बच्चों के साथ आते हैं तो आपके बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलेंगे, एकदम रूम जैसा बिहेव, एकदम लगेगा जैसे कि एकदम कूल वाले जगह पे आप आ गए हैं, लग्जरियस फीलिंग होगी अंदर से। और बाथरूम का भी एक अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे रखा हुआ है, अपने कपड़े वगैरह धोए तो उसको सुखाने के लिए यहाँ पे ये स्टैंड वगैरह आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बाथरूम है तो नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा यहाँ ये बाथरूम वगैरह ये चीज़ें, तो नो डाउट एक बहुत अच्छी जगह है। मेला में अगर आप ठहरने का प्लान बना रहे हैं और मेला के आसपास ही रहना चाह रहे हैं, अपने समय को बचाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही उत्तम विकल्प हो सकता है। चलिए हम आपको एक व्यक्ति मिल चुके हैं और उस व्यक्ति से मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे रहने की फीलिंग कैसी लगी और कैसा लगा उनको यहाँ पे रहने। सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार, मेरा सुप्रभात, मेरा नाम शंभुनाथ मिश्रा हुआ, हाजीपुर से है। व्यक्ति इस मेला में आ रहे हैं और उनको हरासमेंट हो गया पूरा दिन, तो यहाँ पे रहने के बाद एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होता है और बहुत ही शानदार व्यवस्था बनाया गया है ये भारत सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से। बहुत ग्राम जो बना हुआ है इसकी खूबसूरत झलकियाँ, खूबसूरत तस्वीरें, वीडियो मैंने आप तक पहुँचाई और बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो में। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सौरभ जायसवाल ऑफिशियल को प्यार दीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कमेंट में अपने प्यारे प्यारे शब्द लिखकर इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, खुद भी देखिएगा दूसरों को भी दिखाइएगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगली वीडियो श्रृंखला में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।